रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव के समर्थन में आज हरियाणा के सीएम नायब सैनी रेवाड़ी पहुंचे, जहां सैनी स्कूल के ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर निशाना साधा। नायब सैनी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने जा रहा है, नतीजे आने के बाद कांग्रेस आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है और लोगों को प्रताड़ित किया है, उसे जनता भूली नहीं है। नायब सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हिसाब मांगता घूम रहे थे, पहले अपने शासनकाल का हिसाब दे कि उन्होंने जनता के साथ क्या किया। सीएम सैनी ने और क्या कहा, आप खुद सुनिए। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे और वो लगातार हिसाब मांगते हुए घूम रहे थे। मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ, आज भी मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा है। किसानों के साथ उन्होंने हमेशा छल किया है, वो किसान का मसीहा बन रहा है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सरकार ने किसानों को लूटने वाली देश भर में अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट करके दामाद को खुश करने का काम हरियाणा की कांग्रेस ने किया है। चुनाव आने पर ये कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी बापू बेटे से मेरे कुछ सवाल हैं, वो बताएं, मैं उनको चुनौती देता हूँ। मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप मेरे इन क्वेश्चनों का उत्तर दें। आप 10 वर्ष तक 2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम कर रही है। हमने कहा, कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में किसान की कितनी फसल MSP पर खरीदी, ये बताने का काम ये भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के लोग करें। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि किसानों को सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये देने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ने की है। हुड्डा और राहुल गांधी जवाब दें कि इतिहास के 70 साल में अब तक कभी भी उन्होंने किसानों को नियमित सालाना कोई राशि दी है, इसके बारे में बताने का काम करें। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, भाजपा सरकार ने हरियाणा के किसानों के खराबे का मुआवजा दिया है 13,500 करोड़ रुपया। हमने मात्र 10 वर्षों में हरियाणा के किसान के खराबे का दिया है। हुड्डा साहब जवाब दें, जब वो 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के किसानों के साथ 2-2 रुपये का चेक, 3-3 रुपये का चेक दे करके उनके साथ क्यों मजाक किया है, इसके ऊपर जवाब दें। मेरा एक क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन है कि भाजपा ने 10 साल के शासन में किसान की 1 इंच भी भूमि उसकी अधिग्रहण नहीं की है। उसकी जमीन की तरफ हमारे 10 साल के शासन में बुरी नज़र से भी नहीं देखा गया है। हुड्डा बताएं, कांग्रेस बताए कि किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन को छीन कर लूट कर दामाद को देने का दिल्ली में बैठ करके किसानों से दिया है, किसानों से किस मुंह से आज आपको नज़र मिला रहे हैं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस और उसके CLU गैंग ने के चाल चेहरा चरित्र को हरियाणा का एक एक किसान पहचानता है। अगर राहुल गांधी हुड्डा जी किसानों ने कान पकड़कर 100 बार भी माफ़ी मांगे, तब भी हरियाणा का किसान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये हालात ये कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जब उनका शासन था, जब वो राज करते थे, तब उन्होंने किसानों की हालत की। मेरे क्वेश्चन थे, मुझे शायद विश्वास है कांग्रेस और हुड्डा के ऊपर कि वो जवाब दे। सीएम साहब, ये तमाम क्वेश्चन आपने कांग्रेस से करे, लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ सरकार बनाने का दावा कर रही है, कैसे देखते हैं?
दावा कोई भी कर सकता है जी। 8 तारीख को कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस आईसीयू में चली जाएगी, कांग्रेस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगी। जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं, जो लोगों को प्रताड़ित किया है, लोग भूले नहीं है। ये बिजली का हम ही बढ़ते थे, 24 घंटे बिजली देंगे, 4 घंटे बिजली नहीं देते थे, बिजली के दाम बढ़ाए और हमने 24 घंटे बिजली दी, बिजली के दाम कम किए, और हुड्डा साहब ने ये पर्ची खर्ची से नौकरी दी। आज भी वही मनसा इनकी नजर आ रही है। एक विधायक ने तो इनके यहाँ तक कहा कि हमारी सरकार आ रही है, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर जो मेरे सपोर्टर हैं उनका भरूंगा और बाकी दुनिया बाढ़ में जाए। मामन खान का जिस तरीके से बयान सामने आया बाहर निकालने के, जो हिंदुओं की बात की, कैसे देख रहे हैं उस बयान को जी? मामन खान अपनी चिंता करे, अपनी चिंता करे मामन खान। वो उसको ये नहीं पता है कि अभी जेल से तू बाहर आया है और फिर जेल में जाएगा। अपनी चिंता करे मामन खान। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे शरारती और दुष्ट लोगों को सख्ताई से निपटना चाहती है। रेवाड़ी की गुटबाजी कैसे दे रहे हैं? कोई गुटबाजी नहीं है, कमल का फूल खिल रहा है, कोई गुटबाजी नहीं है, कमल का फूल खिल रहा है। कांग्रेस पार्टी हार रही है।